सेना विधायक संजय गायकवाड़ इन्होंने विधानसभा सभागृह में असभ्य वर्तन करते हुए विरोधी पक्ष के हाथों से बैनर छीनकर फाड़ दिया, जिसके बाद सभागृह में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। आज विधानसभा में हम लोग सभागृह कामकाज शुरू होने के बाद विपक्ष के लोगों ने वहाँ पर फिर से वहाँ गदारोल शुरू किया और कामकाज रोकने का प्रयास किया। आज हम जिस प्रांत से चुनकर आए वो हमारा बुलढाणा जिला बहुत ही मागास जिला है, अनुसूचित जाति जमाती का जिला है। विदर्भ हमारा प्रांत है और आज विदर्भ के विषय पर सारे विषय पर चर्चा वहाँ होना अपेक्षित थी। वैसे विषय भी पटला पर आए हुए थे, लेकिन आज 5 दिन का अधिवेशन है और हम चाहते हैं कि हमारे सारे प्रांत के ऊपर वहाँ पर चर्चा हो। हमारे तरफ किसान आत्महत्या कर रहा है, ये बारिश की वजह से सारी फसल बर्बाद हो रही है, 4 साल से हम लोग दुष्काल को फेस कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारा जो किसान मर रहा है, हम चाहते थे कि ये सदन में है वो वहाँ पर विषय लेकर उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ हम शासन की तरफ से कुछ मांग लें, लेकिन विपक्ष वहाँ काम ही करने दे नहीं रहा है। आज जब ये सभागृह की शुरुआत हो गई, जयंत पाटिल साहब वहाँ जवाब दे रहे थे, सारा विपक्ष वहाँ पर आकर उनके सामने खड़ा हो गया। जयंत पाटिल साहब अध्यक्ष महोदय से कह रहे थे कि भाई मुझे सुरक्षा प्रदान करो, मुझे सुरक्षा प्रदान करो, ये सब मेरे पास आ रहे हैं। और उसी वक्त अध्यक्ष महोदय ने जाहिर सब लोगों को आदेश किया, आप ये बैनर हटाइए वरना मैं अन्यथा मैं आपके ऊपर कार्रवाई करूंगा। और उन्होंने जिन जिन लोगों ने बैनर वहाँ पर फड़काया था उनके कार्रवाई करने का नाम भी वहाँ पर लिख लिया, वैसे संकेत भी दिए थे, लेकिन विपक्ष वहाँ रुक नहीं रहा था। इसलिए हम लोग हमारे मंत्री के सहयोग के लिए वहाँ गए और जो बैनरबाजी हो रही थी उसे वहाँ पर रोकने का प्रयास किया।